wanna see you whine like Rihanna. Get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you're calling me. With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you're calling me. Hey माँ, माता जी, ये क्या कर रही है जैसी? अरे कोई तो समझाओ इसे कि प्रेगनेंसी के वक्त ये सारे स्टंट नहीं करते, वो भी 9वें महीने में। अरे आप टेंशन मत लो, मुझे और मेरी बेबी को कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें तो प्रेगनेंसी के वक्त नॉर्मल होती है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। जी हाँ, ये है जसवीर कौर यानी जस्सी की हैप्पी प्रेगनेंसी। नाचना, गाना, मस्ती, स्विमिंग, सब कुछ जी भर कर करो। प्रेगनेंसी के टाइम को जी भर कर जियो, लेकिन थोड़ी सावधानी से। तो जानना चाहेंगे कि जस्सी अपनी प्रेगनेंसी के 9th month में कैसे अपना ख्याल रखती हैं, क्या खाती हैं और कौन सी एक्सरसाइजेस करती हैं। तो चलिए हमारे साथ जसवीर कौर यानी जस्सी के घर। आमतौर पर जब लड़कियां माँ बनने वाली होती हैं तो थोड़ी लेजी फील करती हैं, थोड़ा थकान होता है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं किसी से जिसकी प्रेगनेंसी काफ़ी हैप्पी प्रेगनेंसी है। वो बिल्कुल भी लेजी फील नहीं करती और हमेशा एक्टिव रहती हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पर कौन है। ओके, तो अभी हम यहीं से दिखाएंगे कैमरा। ये हैं जसवीर, जस्सी। हेलो। तो हमें अंदर बुलाइए। आइए आइए, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। तो देखा आपने, जस्सी देखने से ही काफी हेल्दी और हैप्पी लग रही हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ 10-15 दिनों के बाद माँ बनने वाली हैं। और इस वुड बी मदर ने हमें मिलवाया वुड बी डैड से, यानी इनके पति से। हेलो एंड वेलकम, हमारे घर पे आप सबका स्वागत है। ये है मिस्टर मदलानी, विशाल मदलानी, ए बिजी मैन जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, एंड दैट्स माय कंप्लेन। यस, ये देखो लगे पड़े रहते हैं, टाइम देखो। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू जसवीर, देयर आर डेज व्हेन यू हैव टू वर्क। जो दिख रहा है, एंड दिस इज नॉट ट्रू। अब जस्सी चाहे और उनके पति उन्हें अटेंशन ना दे, ये तो हो नहीं सकता। खैर, ये तो है मस्ती बाजार की बातें। अब जरा जानते हैं जसवीर से उनके प्रेगनेंसी के बारे में। कैसे गुजारे उन्होंने अपने 9 महीने, कैसे रखती हैं वो अपने सेहत का ख्याल और क्या क्या तैयारियां हैं उनकी माँ बनने के लिए। ये एक्चुअली सीक्रेट ही रहा है मेरे लिए, क्योंकि 5 महीने तक मेरा पेट बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। 6 से थोड़ा शुरू हुआ पेट दिखना, और मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तू बहुत बदमाश है, क्योंकि मैंने लूज कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। या तो मेरा बॉडी टाइप ऐसा है, मैं लंबी हूँ, थोड़ी नैरो हूँ, इसलिए दिखाई नहीं देता है, और ब्लेसिंग्स है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। एंड आई फील बिकॉज इतने साल से वर्कआउट कर रही हूँ, अपने आप को फिट रखा है, इसलिए फिटनेस कनेक्ट हो गया है। सो स्विम करती हूँ अभी भी, एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। और जी ना, मैंने सुना है मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, झगड़े होते हैं, आई थिंक ये ऑपोजिट में होते हैं ज़्यादा। ऐसे कुछ नहीं होता। सो हमने ये फेज बहुत इन्जॉय किया है। आई एम ऑलरेडी ऑन द 9th month, एंड 15-20 दिन और रह गए हैं। सो अब तक तो काफ़ी अच्छा ही रहा है, ट्रीटेड मी वेल, थैंक यू। इसके साथ कभी कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता, और मुझसे पूछे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन इंसान नॉर्मल नहीं हो सकता। सो जो भी उसने बोला ना कि लोगों को क्रेविंग्स होती है, तो इसको नहीं हुई। लोगों को मूड स्विंग्स होते, इसको नहीं हुए। तो अभी डिलीवरी के बाद होंगे, तो ये पक्का है। जसवीर ने अपने पति विशाल से तो मिलवा दिया, और दोनों ने जस्सी की प्रेगनेंसी से जुड़ी कई सारी बातें भी शेयर की। और अब वक्त है जस्सी के इस खूबसूरत से घर की सैर करने की। ये एक्चुअली इवनिंग यहाँ बैठ के बाहर, लिटरली हम ऐसे बैठ जाते हैं और यहाँ शाम की चाय पीने में बहुत मजा आता है। हमारे दोनों कुत्ते यहाँ बैठे रहते हैं हमारे साथ, नियॉन एंड शीरो, बहुत फेमस है। विशाल को बुद्धा बहुत पसंद है, तो डेकोरेट कर दिया है। और भी बताती हूँ कहाँ है। ये देखो, ये पहले से था, लाइक मेरे आने से पहले से, बट इसको लाइटिंग मैंने की है, बिकॉज़ आई लव लाइट। सी, और भी है, मुझे कैंडल्स भी बहुत पसंद है, सो इट्स ऑल हियर। गिफ्ट्स, मैं ज्यादातर गिफ्ट्स ना ऐसे ही रखी रहती हूँ,
कितने सालों साल तक ना मेरे गिफ्ट्स ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं. आई लव कैंडल्स, मैंने बहुत जमा किए हैं, जिसमें खुशबू भी होती है. सो वो सब है. बाकी विल गो हियर इन इसका भी शो पीस की जगह पे हमने ये रखे हुए द ग्लासेस. वी एक्चुअली पिक अप ग्लासेस, हम अलग अलग जगह से लेते हैं, यू नो सब अलग अलग है, तो हमने कलर कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा सा सजा कर रखा हुआ है यहाँ पर. और उदा जी है यहाँ पर, विशाल के फेवरेट गणपति जी हैं, एंड ऑफ कोर्स द कैंडल स्टैंड्स एंड एवरीथिंग. इस खूबसूरत से हॉल के बाद चलिए जसवीर के किचन में, जहाँ पर इनके इस पिटारे में है बहुत सारा खाने का सामान. और जसवीर अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इसी पिटारे में से निकाल निकाल कर खूब सारा खाना खाती रही हैं. कई तरह के स्नैक्स, मिठाई और भी बहुत कुछ है इसमें किचन में. सो मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है, ये देखिए मेरे खाने का सामान माइनस द ब्रांड नेम एंड एवरीथिंग. ये एक ड्रॉअर, ये दूसरा ये चीज दिख के साथ खाने में जो मजा है, आय हाय हाय, ये तो हर कोई खाता होगा. इट्स रियली नाइस. इसकी सब्जियां भी बनती हैं, ऑयल फ्री है, बिल्कुल ऑयल फ्री है. देखो हेल्दी भी है, जो मैं ज्यादा खाती हूँ भरा हुआ है. इसमें भी कुकीज है, एंड देन ये है चॉकलेट्स. सो चॉकलेट्स यू नो खाने के बहाने कब मिलते हैं, जब आप बोलते हो मुझे लो फील कर रहे हैं. तो मुझे जब भी दिल करता है मैं बोल रही हूँ, बोलती हूँ मुझे लो फील हो रहा है, तो मैं चॉकलेट्स खा जाती हूँ. ये सब मैंने ख़त्म किया है. ये फिर डाइट का है, इसलिए पैक्ड है, क्योंकि डाइट की चीज़ें हजम नहीं होती. चने वगैरह है, ओह माय गॉड इतना कुछ खाती हूँ मैं. ये सब चकली वगैरह भी खा गई हूँ मैं बहुत. ये थोड़ी नमकीन है, ये मीठे हैं, आई लव देम ऑल. एंड मेरे फ्रिज का राज बताऊं, किसी को बताना कैसे नहीं बताओगे, सब पता चलेगा. मैंने इतने सारे स्वीट्स रखे हैं ना यहाँ पर, आप बिलीव नहीं करोगे. यू सी दिस, ये सारे स्वीट्स है मेरे फेवरेट स्वीट्स है, लिटरली वाइट चॉकलेट्स. आई रियली लव वाइट चॉकलेट्स. ये सारे हैं, मैं आज भी मैं श्रीखंड उठा कर लेकर आई हूँ. आई लव ईटिंग श्रीखंड. बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, आपको इसका साइज देखना है. यू हैव टू सी द साइज ऑफ द लड्डू. ये लिटरली मैंने अकेली ने ख़त्म किया है, और ये थोड़े टाइम में और भी ख़त्म होगा ऑफ कोर्स. एंड ये वो कोना है जहाँ मैं बहुत कम आती हूँ, सिवाय खाना लेने के लिए या चाय लेने के लिए सुबह. बट ट्रस्ट मी, विशाल एक्चुअली खाना बनाते हैं मेरे लिए कभी कभी. एंड नाइस एंड ब्राइट ना, लाइक इट. आई शो यू द बेडरूम, चलते हैं. ये है हमारा बेडरूम, ये है छोटे विशाल. That's his childhood picture. Okay, mommy, daddy, and mom and two sisters. And I don't know. मुझे ऐसे बेडशीट्स पिक करना बहुत पसंद आते हैं. मैं बहुत अलग किस्म के बेडशीट्स पिक करती हूँ. मैं जहाँ भी जाती हूँ आउटडोर में, विच एवर प्लेस, मैं वहाँ से कुछ यूनिक उठा कर लेकर आती हूँ. सो यू नो वो पिलो कवर कहीं और का है, बेडशीट कहीं और से, एंड एवरीथिंग. दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट मेमरीज, हमारे एंगेजमेंट से लेकर शादी से लेकर रिसेप्शन टू द हनीमून. दिस इज समथिंग वेरी यूनिक. अ फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, दिस इज़ मी, मिनी मी. एक्चुअली ये मिनी मी है. एंड द बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आई वॉज 3 months प्रेगनेंट इस वक्त. वास्तु एंड हमारे पापा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं. एवरी कॉर्नर इज देयर, इज देयर एवरीवेयर. ये है सिर्फ परफ्यूम्स, दिख रहा है कितने सारे परफ्यूम्स हैं. इसमें से मेरे 2 हैं 3 हैं, ये तो बेचारा ख़त्म होने वाला है. ये एक और ये 2, बाकी सारे विशाल के हैं. ही लव्स परफ्यूम. और उनका बेस्ट पार्ट क्या करते हैं ना, वो मुझे बोलते तुझे कौन सा चाहिए, पहले वो सेलेक्ट करो. तो मैं एक सेलेक्ट करती हूँ, तो मुझे बोलते 2 ले लो,
फिर वो 4 और 6 ले लेते हैं. दैट्स व्हाट ही डज. एक और चीज, गॉट बिकम हेवी. ये इनका सिलेक्शन है वॉचेस का. इनको पहले से वॉचेस के बहुत शौक हैं और फिर मेरे आने के बाद मैंने भी उनका वो शौक थोड़ा अच्छा रखा है. सो हम देखते हैं कि कौन सा नया ब्रांड में नया लुक आया है. सो यू नो आई गिफ्ट हिम एट टाइम्स. अब घर का एक गुप्त रूम बताती हूँ मैं. वो गुप्त इसलिए है क्योंकि हमारे घर में जब भी विजिटर्स आते हैं तो हमारे यहाँ पे 2 जंगलीज हैं, नियॉन और शीरो, हमारे पेट. तो उनको इस रूम में डाल दिया है. आपको झलक बताती हूँ मैं. दरवाजा खींच रहे, देखो उसका हाथ. इस सीक्रेट रूम के अंदर हैं जसवीर के 2 पेट्स. खैर उनसे तो बाद में आराम से मिलेंगे. फिलहाल जरा चलते हैं जसवीर के किचन में वापस, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ पकने वाला है. और पकाने वाला कौन है? अरे आप खुद ही देख लीजिए ना. अजी सुनते हैं. अजी सुनते हो? सुनो कुछ बनाओ ना. सुनो सुनो, क्रेविंग शुरू हो रही है ऐसे मुझे लग रहा है. आई थिंक इस वक्त तो अगर आपको चाय पीनी है तो आप बना सकते हैं. अदरवाइज एक मैगी. सुनो मुझे कुछ हो रहा है, मेरे मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, सडनली सब हो रहा है. सो आई थिंक द मैगी, द वे यू कुक मैगी इज डिफरेंट. सो पहले लम्हे में है बेकरारी सी, आगे क्या होगा नहीं है पता, तेरी तरफ जा रहा. ये हुई है शुरुआत मैगी की जो विशाल बदलानी बना रहे हैं. बनाया तो भी मैंने, क्या बनाया? मैगी बनाया. कोई बात नहीं यार, इतना भी टाइम मिल गया कैमरे के लिए, दिखाने के लिए, दैट यू गिविंग मी टाइम. हाँ एक्चुअली दे से प्रेगनेंसी में मैगी नहीं खाना चाहिए. सो मैं टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना है, मम्मी से सुना है कि क्रेविंग्स जो कुछ होती है या कोई चीज़ देख लेते हो और खाने का दिल करता है तो आपको उसको रुकाना नहीं चाहिए. तो एक दो बाइट तो चल ही जाएगा. ये थोड़े बहुत मसाले हैं जो मिक्स किए गए हैं. ये हम बता नहीं सकते क्या है, बट कहाँ से आया है ये तो रख लिया हमने. लड़का पसंद है, लड़का पसंद है. कैसा है? अच्छा बना है, वैसे अच्छा. अच्छा बना है ना? मैंने वहाँ खड़ी थी ना इसलिए इतना अच्छा बना है. आपने स्पून घुमाया ना इसलिए अच्छा है ना? क्योंकि मैं वहाँ किचन में खड़ी थी, आप लोगों ने देखा, फिर मैंने सीक्रेट्स बताए क्या है, फिर मैंने ऐसे स्पून घुमाया और फिर मैंने ऐसे खाया. वैसे प्रेगनेंसी के इस स्टेज में मैगी खाने का मन किया तो ज्यादा तो नहीं खा सकते, लेकिन जसवीर ने 2-3 चम्मच खाकर अपने मन को शांत कर लिया. और अब देखिए जसवीर का ये धमाका और सरप्राइज. जी हाँ, वो एक ऐसी होने वाली माँ है जो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी डांस करती है और क्या गजब ढाती है. क्यों नहीं, मैं सिर्फ बेली डांस नहीं कर पाऊंगी बिकॉज बेली हिलने वाली नहीं है मेरी, बट यस डांस तो बनता है. और अब बारी
है जसवीर के दो शरारती फैमिली मेंबर से मिलने की। जरा देखिए इनके आते ही कैसे धरती कांप गई और भूकंप आ गया। मैं आप लोगों को हमारे घर के दो शैतानों से मिलाना चाहती हूँ, यही रहिए, मैं उनको लेकर आती हूँ। जंगली है वो लोग। हाय हाय, हु वांट्स बिस्किट? ओके कम्या, आ जा प्रकाश। शिरो, हाय हाय। ओके सिट डाउन, सिट 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 सिट, वेरी गुड बॉय शिरो। नियोना, तो देखा आपने, अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में भी जसवीर अपने पेट के साथ कितनी मस्ती करती हैं और उनके पेट्स भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। वैसे जसवीर और उनके हस्बैंड विशाल ने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बदलाव के बारे में भी बताया। डेली डेली की चीजें तो जो मैं डेली करता हूं, व्हाट अ लाई। यू नो, एक चीज हमारे में कुछ अलग होना शुरू हुआ है। हम पहले जब हक करते थे ना, ऐसे होते थे ना, आजकल मैं ऐसी होती। ये मेरे साथ बहुत अजीब होता है, क्योंकि हम किसी जगह जा खड़े होते हैं ना, तो वहाँ जब डेस्क होता है एंड आप हाथ रख के खड़े होते हैं ना, तो मेरे साथ दो तीन बार हो गया है कि मैं ऐसे गई हूँ हाथ रखने के लिए, मैं टकरा गई हूँ। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। तो अभी भी हम ऐसे खड़े थे, मुझे रियलाइज़ मैं ऐसे टेढ़ी खड़ी हूँ, बिकॉज मैं सीधी हो नहीं पा रही। ये अलग फाइट है हम दोनों में कि इनको लड़की चाहिए और मुझे लड़का चाहिए। हम वियर्ड हैं। टू ऑल द लेडीज जो एक स्टेप जिंदगी में आगे लेना चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, उनके लिए कहूँगी कि या जो नहीं डर रही हैं, क्योंकि मैं बहुत साल तक डरती रही, इट्स अ ब्यूटिफुल फेस। ये फेस से अगर आप नहीं गुजरो ना, तो आपको आपकी जो जिंदगी का अहमियत पता है वो नहीं पता चलेगा, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू दिस टू नो दैट लाइफ इज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। क्या बात है, जसवीर तो अपनी प्रेगनेंसी को काफी इंजॉय कर रही हैं और उन्हें अपना ये फेस काफी पसंद आ रहा है। वैसे उन्हें अपना ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र वाला लुक भी काफी पसंद आता है। आमतौर पर एक्ट्रेसेस कभी कभी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हैं, लेकिन जसवीर इसे हमेशा पहनती हैं। मैं आमतौर पर सिंदूर और मंगलसूत्र, मेरी काफी तारीफ होती है इस चीज की एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट लव इट। आई थिंक ये इंडियन कल्चर है, या हम आई डोंट नो व्हाट टू से, बट proudly you can carry. I love it. तो चलिए जसवीर, आपको सास बहू और बेटी और आपके फैंस की तरफ से हैप्पी डिलीवरी। अनुपमा राय, मुंबई आज तक।